अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़ कैसे बनाते हैं। होम बेस्ड मोज़रेला चीज़ बिल्कुल बाज़ार जैसी। उसमें हमें दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, 1 kg मिल्क और सिरका 5 to 6 टेबल। मिल्क जो है वो फुल क्रीम होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो गर्म होना चाहिए और उबालना इसको बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा दो ट्रिक्स हैं मोज़रेला चीज़ बनाने में जो काम आएंगे, जिससे बिल्कुल बाज़ार जैसी मोज़रेला चीज़ बनती है। वो मैं आपको बनाते साथ साथ बताऊंगी। वीडियो आपने मिस नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मज़ीद डिलीशियस डिशेस जो हैं वो आपको फौरन मिल जाएँ। मिल्क को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, इतना कि उसको उंगली लगाई जा सके। अच्छा दूध लेके जो है इसकी मोज़रेला चीज़ बनाई जा रही है। एकदम से सिरका आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालेंगे और साथ साथ उसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, ये दूध फटना शुरू हो गया है। दूध को गर्म करके आग हमने बंद कर देनी है, ठीक है। पानी अलग हो रहा है और ये चीज़ जो है वो सेपरेट हो रही है। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ कि किस ट्रिक से जो है इसकी तार जो है वो ज़्यादा बनेगी। उसके लिए आपको चाहिए गर्म पानी, ठीक है। उसको पानी को आपने बॉईल कर लेना है और ये जो इसमें चीज़ बन रही है इसको छान के सेपरेट कर लें। एक मलमल के कपड़े में भी डाल के इसको निचोड़ लेंगे। नाज़रीन, वो दो ट्रिक क्या है, एक बाउल में आपको चाहिए बिल्कुल गर्म पानी बॉयल हुआ हुआ, और एक में चाहिए चिल्ड पानी, ये बिल्कुल बर्फ़ जैसा, ठीक है जी। सबसे पहले हम गर्म पानी में डालेंगे इस चीज़ जो हमारी तैयार हुई है, उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे चम्मच से इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल। ये क्यों हिलाते हैं इसका, इसमें तार भी ज़्यादा बनती है चीज़ के अंदर। जब हम इसको गर्म पानी में ऐसे एक्स्ट्रा पानी उसका निकाल देते हैं तो उसकी तार भी ज़्यादा बनेगी। अभी मज़ीद हम इसको गर्म पानी में डाल के, पानी गर्म है इसलिए एहतियात से इसको जो है, ये देखें, ये इसकी ये मोज़रेला चीज़ जो है इसकी तार। अब इसको निकालते साथ ही चिल्ड पानी में डाल दें। देखिए नाज़रीन, इसको ऐसे हम पॉलीथीन की शीट में इसको ऐसे करके प्रेस करके हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये सेट हो जाए। मोज़रेला चीज़ बन के तैयार है। इसको अब हम ये क्रश करके देखते हैं। हमने आधे से पौने घंटे तक फ्रीज़र में रखा ताकि वो सेट हो जाए। इसको आप रोल पराठा में, पिज़्ज़ा में, चीज़ रोल्स में, मीट बॉल्स में, कहीं भी आपकी जो है वो पसंद के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ घर की बनी हुई और आपको बहुत पसंद आएगी।